दुनिया के जाबाज लड़ाकू सैनिकों के इतिहास में भारत के वीर सैनिकों का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। दुश्मन के दांत खट्टे करने में हमारे सैनिकों ने हर मौके पर सुरक्षा और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन समय बदलेगा, दिन बदलेंगे, लेकिन हमारे सैनिकों की बहादुरी की गाथा सदा अमर रहेगी। उनके मजबूत इरादे उन बहादुरों के नामों की याद दिलाते रहेंगे और तारीख गवाह रहेगी कि शौर्य, पराक्रम और निपुणता में हमारे सैनिक बेमिसाल हैं। देश की रक्षा के लिए मर मिटने का जुनून आसानी से पैदा नहीं होता, इसके लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है, साथ ही चाहिए होता है जोश। शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए लगातार प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, इस तैयारी में कोई कमी नहीं रह सकती। एक तरफ दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए पारंपरिक ज्ञान, तो दूसरी ओर शरीर को चुस्त रखने के लिए शारीरिक व्यायाम की पूरी पाठशाला, सबका होना जरूरी है। ये एक ऐसा प्रशिक्षण है जो जवानों के अंदर आत्मविश्वास की भावना पिरो देता है और वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जंग कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन सर पर आ जाए तो फतेह बहुत जरूरी है। साथ साथ हाथों में हाथ डाले कामयाबी की मंजिल की ओर लगातार बढ़ते कदम ही तो फतेह की कसौटी है। इसके लिए कड़े शरीर प्रशिक्षण का होना जरूरी है। हौसले बुलंद करने वाला ये प्रशिक्षण जीवन को एक नए ढंग से जीने की प्रेरणा देता है। खड़कवासला पुणे में बसी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सेना के लिए उत्कृष्ट गुणों वाले सैनिक अफसर तैयार करती है। मुगलों की सेना के दांत खट्टे करने वाले छत्रपति वीर शिवाजी के सिंहगढ़ किले को निहारती राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सैनिकों द्वारा सूडान में प्रदर्शित बहादुरी की याद ताजा करती है। दूसरे महायुद्ध के दौरान सूडान की आजादी में भारतीय सैनिकों की अहम भूमिका रही और तब सूडान की कृतज्ञ सरकार ने एक विशेष युद्ध स्मारक बनवाने के लिए भारत सरकार को 1,00,000 पौंड भेंट किए थे। इसी धनराशि से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। यहां का सूडान ब्लॉक आज भी सूडान सरकार के उस तोहफे की याद दिलाता है। सेवा परमो धर्म के आदर्श वाक्य को संजोए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का उद्घाटन बंबई के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुरारजी देसाई ने 16 जनवरी 1955 में किया था। अकादमी का उद्देश्य सैनिकों में निष्काम कर्म की भावना का संचार करते हुए जल, थल और वायु सेना के लिए बेहतरीन अधिकारी तैयार करना है। यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की पहली पासिंग आउट परेड की सलामी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सपनों और भावी योजनाओं के बारे में ऐसा कहा था।
Training in many ways, training of character, training in a specialized technical way, because the world becomes more and more technical and scientific. All this we have to do, and we shall do it. And I want you to look upon the future from this point of view. It's an exciting future. For me, there is nothing more exciting than what is happening in India today. The building up of India, the building up of the people of India. The nation knows that over the last 60 years, the National Defense Academy has produced leaders which have won glory not only in war, but also achieved the highest distinction during peace times also. I joined the Academy more than 40 years ago, and the National Defense Academy in its ethos has not changed. A product that was sent out from the National Defense Academy after 3 years of training, 40 years ago, and the product that is being sent out of the National Defense Academy today is almost similar. In any institution, it must change with the changing times. And therefore, the National Defense Academy has evolved to meet up the challenges of today's military environment. When those cadets come here, because of the high academic content in the 10th and the 12th classes, they are comparatively to the older times weaker in physical fitness. Therefore, the NDA has to meet up with the challenges as it sees. 3 years is a constant training time right from the inception of this academy. But the work that needs to be done on these cadets to bring them today to the same level of proficiency as the earlier cadets requires a change in the training procedures. New methods have been adopted, and these methods are showing very, very encouraging results. NDA mein cadeton ke vyaktitv ko har tarah se samara jata hai. Sharirik shakti, damkham aur atmishwas सभी का संपूर्ण विकास किया जाता है। युद्ध कौशल का प्रशिक्षण पाने के साथ साथ कैडेटों में नेतृत्व की क्षमता का भी विकास होता है। कठोर से कठोर परिस्थिति में भी अपने और साथियों के हौसले को बरकरार रखने का प्रशिक्षण भी यहां दिया जाता है। During my time as a cadet, 90% of the cadets knew how to swim when they joined the academy. Today, 90% do not know how to swim when they join the academy. Now, you can well imagine that in 3 years' time, we have to teach this individual not only to be able to swim, but also to be able to achieve the requisite standards. NDA, yani Rashtriya Raksha Academy mein, prashikshan se कैडेटों का एक सुंदर और संपूर्ण व्यक्तित्व तैयार होता है। युद्ध के सभी गुर सीखने के साथ साथ एनडीए में आत्मविश्वास से भरे जेंटलमैन कैडेट तैयार किए जाते हैं। When he sits down for the academic classes, he must realize that there is a large amount of multi-skilling that he needs to do. He has to learn outdoors. He has to learn how to ride a horse. He has to learn the drill. That is the bedrock of discipline in this academy or in the armed forces. And therefore, at this point in time, he has to multi-skill along with his academic curriculum.
इस तरह के हैरत अंगेज कारनामों के लिए पूरे दमखम और शारीरिक क्षमता की जरूरत होती है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी इस दिशा में पूरी तरह से तैयार, चौकस और साधन संपन्न है। आम तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी जीना तो आसान होता है, लेकिन युद्ध के मैदान में कदम कदम पर मौत इंतजार कर रही होती है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में युद्ध की हकीकत से रूबरू कराने के लिए कैंप लगाए जाते हैं। इन कैंपों में कैडेटों को सब कुछ खुद करना पड़ता है, अकेले अपने दमखम पर। कैडेटों को टोलियों में बांट दिया जाता है। ये कैडेट अपने टेंट खुद लगाते हैं और फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं। पूरे हालात उनमें युद्ध जैसा जोश भर देते हैं और फिर वो एक जोश रन के लिए निकल पड़ते हैं। इस लंबे जोश रन में कैडेट घात लगाते हैं, गश्त करते हैं और नक्शे को पढ़ते समझते हुए अपना रास्ता तय करते हैं। यह जोश रन लगभग 32 किलोमीटर का होता है, जिसमें बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं। इन सभी चेक पॉइंट्स को पार करते हुए अंतिम चेक पॉइंट तक पहुंचना होता है। और फिर बारी आती है ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग की। ऑब्स्टेकल यानी रुकावट ट्रेनिंग में 19 से लेकर 21 स्तर हो सकते हैं और कैडेटों को ये सभी स्तर पार करने होते हैं। यहां पूरे शरीर की कसरत हो जाती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और कैडेट को अपना संतुलन बनाए रखते हुए शरीर को सशक्त और लचकदार रखना होता है। शॉर्ट रेंज हो या लॉन्ग रेंज, गोलीबारी का पूरा अभ्यास हर कैडेट को कराया जाता है, क्योंकि निशानेबाजी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। कठिन कैंप की थकावट दूर करने के लिए आराम की जरूरत होती है। एनडीए यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कैडेट नींद से थकावट नहीं मिटाते, वो आपस में मिलजुल कर हंस खेल कर मनोरंजन के साधनों के साथ वो अपनी थकावट मिटाते हैं। वो क्लब जाते हैं या फिर तैरते हैं, नौका विहार करते हैं। और फिर आ गया कोर्स की समाप्ति यानी एनडीए से विदाई का वक्त। इस मौके पर सभी कैडेट कमांडेंट के साथ मिलकर भोजन करते हैं। ये अपने आप में एक सुखद और यादगार अनुभव होता है। प्रतिभावान कैडेटों को इस मौके पर ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं।
और इसके अगले दिन होता है एनडीए का दीक्षांत समारोह। इस मौके पर प्रतिभावान कैडेटों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। सभी कैडेटों की मुराद पूरी होती है। माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू द ग्रेजुएटिंग कैडेट्स ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर चोजन कोर्स एंड माय सिंसियर फेलिसिटेशंस टू दोज हु वर इन्वॉल्वड इन टीचिंग, supervising and motivating the course. The National Defence Academy is truly a unique institution in the world, which was built with a great vision. It has maintained its high standards of discipline and training with utmost care. I hereby confer on you the degree of Bachelor of Science. In conferring this degree, I would require you to promise to always endeavor to increase your knowledge by study. This degree, I would require you to promise to always endeavor to increase your knowledge by study and always to conduct yourself as behoves a graduate of Jawaharlal Nehru University. I promise. Degree paane ke baad, sab cadet intezar karte hain passing out parade ka. इस परेड में जेंटलमैन कैडेट अपनी मेहनत और लगन की पूर्णता को देखता है। इस परेड की शान और खूबसूरती देखकर हर दर्शक, हर मेहमान भौचक्का रह जाता है। Your major challenge will be to strike a harmonious balance between tackling the requirements of the battlefield or the future without losing sight of the need for human and management. My best wishes and thoughts are with you for a bright, prosperous and fulfilling career. Thank you.
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की पासिंग आउट परेड के बाद तो सभी कैडेट खुशी से दीवाने हो जाते हैं। आसमान में उड़ते लड़ाकू जहाज इन जाबाजों को सलामी देते हैं और जैसे ये पूरा जश्न आसमान की ऊंचाइयों को भी पार कर जाता है। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू यूज माय मेंटल एंड फिजिकल स्टैमिना बोथ एंड इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी दैट आई एम सर्विंग माय नेशन। आई बिलोंग टू अ सिविलियन बैकग्राउंड बट यू नो आई जॉइन दिस प्लेस टू सेव माय कंट्री to be proud of this this very institution. It's a very great institution and I believe that whosoever comes here turns out to be a very smart, handsome young man who can lead the nation anytime, anywhere. It's a great honor for us, for One and Focus, for whole academy, that we are passing out from this academy, but our main motto, that's to serve the country, and we'll definitely do and make our country proud of us. NDA mein aakar पूरा गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल रखा, एनडीए ने मेरा पूरा अच्छी तरह ख्याल रखा और मुझे यहाँ तक एनडीए की, मैं यहाँ जो भी हूँ एनडीए की वजह से और अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। आई ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी फॉर द पर्पस ऑफ अ बैलेंस बिटवीन योर एकेडमिक्स कैरियर एज वेल एज योर एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड योर पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट। आई कम फ्रॉम अ टोटली सिविलियन बैकग्राउंड बट ड्यूरिंग माई स्कूल डेज द कारगिल वॉर हैपन्ड एंड दैट वॉज द टाइम आई डिसाइडेड दैट It is the army where I will be. This National Defence Academy will always be close to my heart because it has given me the basic, it has brought me up from the root level. Facilities in NDA are really, really very extremely nice. Like we have here all kinds of activities from sailing, riding, shooting, mountaineering, everything. That is everything, whatever you can imagine, we have everything here. And the message to youngsters of India is that if anybody is willing to sacrifice and to do something for his country, that is India, join NDA and NDA makes man. जब मेरा भाई NDA में सेलेक्ट हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हम लोग सिविलियन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट टाइम NDA पे सेलेक्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई और अभी भी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मेरा भाई इस देश के लिए सेवा करेगा और आगे बहुत आगे बढ़ेगा। ऐसा कि बचपन से ही इसको काफ़ी शौक था कि मैं पायलट बनूँ और उसकी वजह से इसने यहाँ पर एंट्रेंस वगैरह दिया तो हो गया क्लियर। फाइनेंशियली तो काफ़ी मेरे को लाभ मिला क्योंकि खर्चा तो कुछ यहाँ पर हुआ ही नहीं। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मेरा लड़का कहीं अच्छी जगह निकले तो उसका भी इंटरेस्ट NDA में था और उसकी मेहनत से वो यहाँ पर निकल पाया और उसने यहाँ पर बड़े अच्छे से अपना कोर्स पूरा किया। यहाँ पर काफ़ी सुविधाएँ उसको मिली और हमें भी इसको पढ़ाने में कोई ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ा। मैंने बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं NDA में आने के लिए मैंने काफ़ी कोशिश की पर मैं NDA में नहीं आ सका। मैंने बच्चों को मैं देखा कि मैं अपने बच्चों को NDA में भेजूंगा जिससे कि मेरा सपना पूरा होगा और देश की बड़ी भारी जो उपलब्धियां हैं, सुरक्षा है, जो कंट्री को एनिमीज से कोई खतरे हैं उन बारे में मैं कई बार सपने, कई विचारधाराएं पैदा होती थी। उस कारण से मैंने दोनों बच्चों को, दो ही बच्चे मेरे, दोनों बच्चों को मैंने इसीलिए डिफेंस में भेजा। वी कैन से दैट ही इज आवर सन, नॉट SON, SUN आल्सो। सन मतलब सूरज एंड हिज नेम इज चिराग। तो दिन को सूरज बन के चमकना है, रात को चिराग बन के जलना है, तो ये हमने पहले ही सोच लिया था कि ये कुछ विलक्षण बनेगा। तो उसको बनाने के लिए जो कुछ एक पेरेंट्स का जो रोल रहता है वो हमने भी इसको रास्ता दिखाने के लिए किया और आज हमको लगता है कि जो हमने सोचा था उसमें हमको सफलता मिली है। तो आने वाले समय के लिए रास्ता हमने दिखा दिया है और इस काबिल भी बना दिया कि उस रास्ते पर खुद चले। तो उसके लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी से जो गाइडेंस और जो कुछ भी इसको और कुछ हमारा जितना था उस सब का मिलके जो निचोड़ होगा तो वो देश के लिए और समाज के लिए समर्पित होगा। ये सिर्फ हमारा सूरज बनकर नहीं बल्कि पूरे विश्व का सूरज बन के चमकेगा। एज द नेशन ग्रोज द मिलिट्री विल ग्रो, द अपॉर्चुनिटीज विल बी वेरी वास्ट। यू विल बी हैंडलिंग सम ऑफ द लेटेस्ट मशीन्स दैट आर अवेलेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। You will also have an opportunity of dealing with the latest technologies that are available in the military sphere of activities. It's a profession that teaches you honesty towards the nation. It's a profession that helps build the nation. It's a profession
which is full of professionalism, adventure and challenges. And therefore, joining the armed forces is not only great for the nation, but I believe is very great for the individual himself. Ae vatan, humko teri qasam, teri raahon mein jahan tak luta jayenge. Bol kya cheez hai, tere qadmon pe hum, bhent apne saron ki chadha jayenge. Ae vatan, humko teri qasam, teri raahon mein jahan tak luta jayenge. Ae vatan.